आखिरकार लोकसभा चुनावों में पाकिस्तान की एंट्री हो ही गई है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार पहुंचे और बिहार के मुजफ्फरपुर में उन्होंने पाकिस्तान को लेकर मुंह तोड़ जवाब दे दिया है और एक इस बयान की निंदा पाकिस्तान में हो रही है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत के नेता चुनाव में लाभ पाने के लिए राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं। भारत एट नाइन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। आखिरकार लोकसभा चुनावों में पाकिस्तान की एंट्री हो ही गई है, लेकिन पाकिस्तान का नाम लेना पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार पहुंचे और बिहार के मुजफ्फरपुर में उन्होंने पाकिस्तान को लेकर मुंह तोड़ जवाब दे दिया है और एक इस बयान की निंदा पाकिस्तान में हो रही है। दरअसल ये कुछ ऐसा नहीं है कि जानबूझकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला हो, कुछ ऐसी बयान सामने आए थे जिसके जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा बोला है। वो बयान भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन पहले जरा इस पूरे मामले को समझ लेते हैं। पाकिस्तान ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हम पाकिस्तान को चूड़ियां पहना देंगे। दरअसल पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को यह रास नहीं आया और वहां से एक मैसेज आया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के राजनेताओं को चुनावी सभाओं के दौरान पाकिस्तान को घटीसने से बचना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत के नेता चुनाव में लाभ पाने के लिए राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं। अब ऐसे में भारत के लोगों के अंदर पाकिस्तान विरोधी भावना जाग उठती है। पाकिस्तान ने कहा है कि चुनावी रणनीति का हिस्सा है, लेकिन ये तरीका दोनों देशों के बीच रिश्ते के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। पाकिस्तानी अखबार डॉन में छपी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा, भारतीय नेताओं को घरेलू चुनाव में लाभ पाने के लिए पाकिस्तान को घसीटना बंद कर देना चाहिए। हम संवेदनशील और रणनीतिक मामलों में सावधानी बरतने की अपील करते हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व से भी इस मसले में हस्तक्षेप करने का आग्रह करते हैं, क्योंकि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। दरअसल मोदी के बयान को पाकिस्तान ने कहा कि अंतर्राष्ट्रवाद है। चुनावी अभियान के दौरान भारतीय नेताओं की तरफ से बार बार पाकिस्तान विरोधी बयानबाजियां भारत की अतिवादी मानसिकता को दर्शाता है। इस तरह की बयानबाजी भारतीय नेताओं के अहंकार और अंधराष्ट्रवाद को दर्शाता है। विदेश मंत्रालय के बयान में इस बात पर जोर दिया गया कि पाकिस्तान का नाम लेकर भारत के लीडर चुनाव में फायदा ले रहे हैं, लेकिन भला इसमें फायदा क्या हो। पीएम मोदी ने बिहार में दिया था चूड़ी पहनने वाला बयान। दरअसल पिछले दिनों कश्मीरी नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि पाकिस्तान से पीओके को वापस लेना इतना आसान नहीं होगा। पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न देश है और उसने चूड़ियां नहीं पहन रखी। बस इतना भर कहना था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब तो देना ही था। अब वो कब देना था इसका तो शायद प्रधानमंत्री को भी नहीं पता होगा, लेकिन कल उन्होंने इस पर जवाब दे दिया। इस बयान का जवाब पीएम मोदी ने बिहार के मुजफ्फरपुर में एक रैली के दौरान दिया। मोदी ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को पाकिस्तान का परमाणु बम सपने में भी दिखता है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है। अरे हम कहते हैं कि वो चूड़ियां नहीं पहने हैं तो हम पहना देंगे। हमको नहीं पता था कि पाकिस्तान के पास चूड़ियां भी नहीं है। चलिए आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा और उससे पहले फारूक अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा था। डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं, हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं, याद रखिएगा। उनके पास भी एटम बम है, याद रखिएगा। और अफसोस यह है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। देश कांग्रेस वाली कमजोर, डरपोक और अस्थिर सरकार बिल्कुल नहीं चाहता। ये लोग इतने डरे हुए हैं, इनको रात में सपने में भी पाकिस्तान का परमाणु बम दिखाई देता है। कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है, अरे भी पहना देंगे। तो ये तो बात हो गई पाकिस्तान की, लेकिन दूसरी तरफ जिस सीए को लेकर लगातार आवाज उठ रही थी, उस सीए को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है, क्योंकि चुनाव से रिलेटेड ये भी था, तो इसीलिए इसका भी यहाँ पर एक विवेचना कर देना, यहाँ पर इसको एग्जाम्पल सेट कर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA की अधिसूचना जारी होने के बाद
आज ये पहला मौका है जब 14 लोगों को सिटीजनशिप सर्टिफिकेट सौंपे गए हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से प्रताड़ित गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारत की नागरिकता देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। खबरों की माने तो एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने एक पोर्टल के माध्यम से उनके आवेदन ऑनलाइन संसाधित होने के बाद 14 लोगों को प्रमाण पत्र सौंपे। साथ ही आवेदकों को नागरिकता संशोधन अधिनियम की महत्वपूर्ण बातें भी बताई हैं। इस मौके पर सचिव, डाक निदेशक और भारत के रजिस्ट्रार जनरल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि भारत सरकार ने 11 मार्च 2024 को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024 को अधिसूचित किया था। इसमें आवेदन करने के तरीके, जिला स्तरीय समिति द्वारा आवेदन को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया और राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा आवेदनों की जांच और नागरिकता प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। किन देश के लोगों को मिलेगी नागरिकता, इस पर पहले भी हमने चर्चा की और आज भी मैं बता रही हूँ। नागरिकता संशोधन कानून के जरिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी धर्म से जुड़े शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। कानून के मुताबिक जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले आकर भारत में बस गए थे, उन्हें ही नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता संशोधन बिल पहली बार 2016 में लोकसभा में पेश किया गया था। यहां से तो ये पास हो गया था लेकिन राज्यसभा में अटक गया। बाद में इसे संसदीय समिति के पास भेजा गया और फिर चुनाव आ गया। दोबारा चुनाव के बाद नई सरकार बनी, इसलिए दिसंबर 2019 में इसे लोकसभा में फिर पेश किया गया। इस बार यह बिल लोकसभा, राज्यसभा दोनों जगह से पास हो गया। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद 10 जनवरी 2020 से यह कानून बन गया था, लेकिन इसकी अधिसूचना इस साल 11 मार्च को जारी की गई। इस कानून के तहत भारतीय नागरिकता हासिल करने के लिए आप इंडियन सिटीजनशिप online.nic.in वेबसाइट पर जा सकते हैं। इसके अलावा CAA 2019 नाम की ऐप के जरिए भी अप्लाई किया जा सकता है। नागरिकता के लिए 29 दस्तावेजों की जरूरत होगी। इसमें से 9 दस्तावेजों से साबित होगा कि आप पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान के नागरिक हैं, जबकि बाकी के 20 दस्तावेज इस बात का सबूत होंगे कि आपने किस तारीख को भारत में प्रवेश किया। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद फॉर्म की जांच जिला स्तर की समिति करेगी। इसके बाद ये समिति आवेदक को ईमेल, एसएमएस के माध्यम से तारीख और समय के बारे में सूचित करेगी। जिस दिन उसे मूल दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से आना होगा, यही दस्तावेज ठीक है, तो नामित अधिकारी ऑनलाइन प्रमाणित करेगा कि कागजात सत्यापित है। जिला समिति निष्ठा की शपथ भी अपलोड करेगी और आवेदन को इलेक्ट्रॉनिक रूप में सशक्त पैनल भी भेजेगी। ये पैनल फिर मामले की जांच करेगा और आवेदन को मंजूरी या अस्वीकार करेगा। सबसे आखिर में आवेदन को नागरिकता का सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। जिन लोगों को नागरिकता दी जाएगी, उन्हें भारत में प्रवेश की तारीख से भारतीय नागरिक माना जाएगा। ये पूरा प्रोसेस है, प्रोसेस शुरू हो चुका है। आज 14 लोगों को नागरिकता मिली है। आगे देखते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम हैं, उनको नागरिकता दी जाएगी। लेकिन हाँ, इससे पाकिस्तान को ज़रूर परेशानी हो रही होगी, ये कहा जा सकता है। एट 9 में आज के लिए इतना ही। कल फिर लौटेंगे, किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।